शोपीस के वगैरह भी हैं। बोले तो काफी बड़े बड़े लग गए हैं। वेलकम टू हॉन्टेड। गेहूं के डंठल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सविता, एंड वेलकम बैक टू सविता का संसार। सो ये है प्रगति भारत महोत्सव 2024 का पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, बस ये पार्ट उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ सारी चीज़ें देखने के लिए। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आपको भी दिखाई जाए वो सारी चीज़ें। तो बस आगे का कंटिन्यूएशन आप इस वीडियो में देखेंगे। इसकी बटरफ्लाई वाली क्लिप, और देखो काफ़ी सारी हेयर एक्सेसरीज हैं भाई यहाँ पर। ये देखो, वाओ, ये बहुत भैया क्लेचर कितने का है ये वाला? ये 150 का है। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से क्लचर्स हैं। ये नेक पीसेस, पूरे ईयर कवर, जल्दी वगैरह लगा है यहाँ पर लाइन से। देखिए हैवी हैवी पीसेस भैया। ये कितने के हैं? 150। सभी 150 है क्या? ओके, नेक पीसेस आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये बैंगल्स, ये भैया एक साथ बंच में है कि 100 का है भैया? ये झुमके 100 रुपीज़ की कड़े हैं ये सभी। भैया ये कड़ो, ये कड़े कैसे? 100। ओके, 100 का पेयर मिलेगा। ये जयपुरी, ये देखिए बहुत प्यारा है। ये तो शायद यहीं पे मिला, यहीं पे दिखा है ये वाला कलेक्शन, जयपुरी वाला। ये देखिए इधर, ये हैंडबैग बैंगल्स है, और अंदर बहुत प्यारी प्यारी से आपको ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगी। और काफ़ी लंबे में है, हर एक शॉप दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो मैं एक दिखा दे रही हूँ कि सारी शॉप जो है ना वो लग चुकी है। देखिए सब मुरादाबाद का है। मुरादाबाद से। और ये देखो छोटी सी आयरन, दूर रखने वाली कितने का? 100 पीस की। और ये 60 का है पीस। ये जितने का है उतने, मतलब ऐसे ही रहेगा ना? तो मतलब आप प्योर बता रहे हो, पता नहीं चलता ऐसा। ये 250 का है। ये कैसे जो अभी रखेंगे? कौन सा वाले? ये 2500 का है। नहीं, देखिए सारे प्योर पे पीतल के हैं ये। ये देखिए इधर मिरर वगैरह भी रखे हैं, प्योर कॉपर है। ये सवाल है, बड़ा वाला 1550 ग्रास में। ये देखिए शो पीस, अगर कोई पसंद आ रहा है तो जहाज वगैरह कुछ कर देंगे आज। ये देखिए देख लो अगर कोई सा पसंद।
मटके वगैरह भी। और ये देखिए उधर तक, बहुत दूर तक पूरी दुकानें लगी हुई हैं, रिपीटेडली काफ़ी सारी चीज़ें हैं वही वही। ओके एक आई थिंक एंट्रेंस वहाँ से भी है, और रात के टाइम पे ये लाइट्स वगैरह जल जाती तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। और देखिए इधर पूरा वुलन वाला सेक्शन है, ब्लैंकेट वगैरह मिल जाएंगे। देखिए अब दिखा देते हैं, ये है ब्लैंकेट शॉप्स, इधर ब्लैंकेट वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह है, और देखो इस तरह जूट के बैग्स वगैरह हैं। मैं उधर नहीं जाऊँ क्योंकि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, ग्रासेस जो है ना बहुत लंबी लंबी हैं उधर। ठीक है देखिए लाइन से आपको दिखा देते हैं, और फिर वहीं से कारपेट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। नाउ कम्स टू द झूला वगैरह और इधर वाला पूरा सेक्शन, तो आपको इधर से झूला दिखाते हैं। ये देखिए ये दिल्ली सेल 250 के हैंड बैग्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये देखिए थोड़ा सा पास से दिखा दे रहे हैं, सभी बैग भैया 250 के। ओके सभी बैग यहाँ पर आपको 250 के मिल जाएंगे। और ये है खिलौनों वाली शॉप, प्लास्टिक का सामान काफ़ी सारा, और इधर है झूला, तो थोड़ा सा झूले का अपडेट आप लोग को दे देते हैं। देखिए झूले तो काफ़ी बड़े बड़े लग गए हैं, लेकिन अभी इन पर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही मुझे, हो सकता है शाम होते ही स्टार्ट हो, या अभी कुछ इनके इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो हो रहा हो, है ना। बाकी देखो झूले वगैरह तो पूरे लग गए हैं। ये देखिए और पता है उस तरफ भी काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, और लगभग वही सारा सामान होगा जो हमने अभी पीछे देखा है। ठीक है तो उधर अभी नहीं जाते, मैं आपको उधर झूले का दिखाती हूँ, और फूड वगैरह आपको दिखाते हैं कि फूड स्टॉल्स यहाँ पर कैसी क्या लगी हुई हैं। ये देखिए झूले पे भी मुझे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ये देखिए ये झूले की तरफ जब आप आएंगे ना, तो इस तरह की मैट, ग्रास मैट जो है आपको बिछी हुई मिलेगी, बट यहाँ पर भी ना रास्ता स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे है, तो बहुत आराम से चलिएगा इस तरफ है। कुछ कुछ झूले जो है ना वो अभी लग भी रहे हैं, देखो शाम तक इनमें हलचल होगी थोड़ी बहुत। यार वो कौन सा झूला होगा, वो ऐसे गोल गोल घूमने वाला होगा, वो वाला देखो जो पूरा एक राउंड लेता है, वो वाला, वो भी इंस्टॉल हो रहा है, वो लग रहा है अभी ये। अच्छा हाँ ये देखिए उधर ही पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है भाई, काफ़ी सारा टाइम लेकर आओ यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा घूमने में, और थोड़ा बहुत थक भी जाओगे, लेकिन ध्यान से नीचे, बहुत ध्यान से चलिएगा। ग्रास मैट जो बिछी हुई है वो तो बिछी हुई है, लेकिन रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ है यहाँ पर। अरे घासें कितनी फूली फूली सी लग रही है देखो। ये देखिए ये पूरा यहाँ मेले का व्यू है, ये इधर पूरा फूड, इधर पूरा फूड कॉर्नर इस तरफ पूरा लगा हुआ है। अरे यार एकदम धसे हुए लग रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दलदल में चल रहे हैं, पैर एकदम नीचे नीचे जा रहे हैं। और ये देखो वेलकम टू हॉन्टेड हाउस, ये भी हॉन्टेड हाउस का भी लग रहा है पूरा। ये देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, अगर ग्रासेस को थोड़ा बहुत कट कर देते उसके बाद ये मैट बिछाते तो ज़्यादा सही रहता। देखो अभी ये पूरा बिछाने का काम जो है ना वो चल रहा है पूरा। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी में लगाया गया, और रास्ते बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ग्रास मैट ना बिछी उधर तो निकलने वाला ही नहीं है। तो भैया हम उधर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं बिछा हुआ है। ओके जहाँ पर ग्रास कटी हुई है उधर से निकलते हैं, और ये पूरा आपको दिखा दे रहे हैं इस तरफ जिधर झूले लगे हुए हैं वो पूरा फूड कोर्ट, यहाँ से वहाँ तक काफ़ी सारी खाने पीने की शॉप्स आपको दिख जाएंगी। ये देखिए ये कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसी के ठीक इस तरफ सामने जब आप आएंगे तब आपको यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर लाइन से शॉप्स लगी हुई हैं, ये देखिए माँ भगवती मैनपुरी का बेडशीट वगैरह है। ओके ये उड़ने वाला है, ये कॉटन का है। अच्छा कितने का होगा ये है 400 का, डबल है। अच्छा डबल है ओके। और सूट वगैरह भी है इधर, ऐसे आएंगे ओपन लगा तो है यहाँ पर। ये बेडशीट है, ये वाली बेडशीट कितने की होगी, ये डबल बेड है, कितने की होगी? ये है 950 की, 950 की है। ओके और यहाँ पर कुछ सूट
सेट भी लगे हुए हैं। ये पूरा केवल टॉप एंड बॉटम का सेट है क्या? पूरा सेट है इसका। दुपट्टा भी होगा? सब है। अच्छा, ये दुपट्टा भी होगा इसके साथ? सभी के साथ सब सूट लगे हुए हैं। ये खाली फ्रॉक। अच्छा, ये वाली खाली फ्रॉक। क्या प्राइस होगा इसका, एक आपको दिखाते हैं। ये येलो वाला कितने का होगा? ये देखे, ये कितने का है? 950। अच्छा, 950 का। ओके, ये काफी सारी बेडशीट वगैरह लगी है यहाँ पर। ये देख लीजिए मैडम, ये हैंडमेड है। ये कान्हा जी ज्वेलरी, ये बैंगल्स, ये सारे हैंडमेड। अच्छा, ओके, हैंडमेड ज्वेलरी। ये कान्हा जी के है ना सारे? ये सारे कान्हा जी के। ये इयररिंग नहीं बनाएंगे। ओके, क्या प्राइस होगा इसका? 50 रुपये। 50 रुपये इसी मटेरियल से बनाए हैं हमने, ये कंगन बनाए हैं। ओके, क्या प्राइस है इस कंगन का? 250 मैडम। 250 ये 100 रुपीज़ की है, 1200। हमें ये दे दो आप। कलर कौन सा? ये सभी हैंडमेड चूड़ियाँ हैं, काफ़ी सही प्राइस है। 100 रुपीज़ का ये पूरा 12 चूड़ियों का। और ये लखीमपुर खीरी के ये इस तरह से झालर वगैरह है यहाँ पर, सब हैंडमेड है। ओके, ये कितने का आंटी? ये 250 का है, 250। ओके, और ये वाले जो लगे हुए सामने? ये 250। अच्छा, 250 का। ये सभी इधर हमें लगता है हैंडमेड वाले पूरे सेक्शन हैं। और ये है, ये रोटी बॉक्स है। रोटी बॉक्स है, ये सब बनाए खुद? आप कहाँ से? आप लोग लखीमपुर से? लखीमपुर से ही है। ओके, क्या प्राइस है इसका? ये 200 का है, मगर आप लेंगे तो सही लगा देंगे। अच्छा अच्छा, लेंगे तो सही लगा देंगे, 200 रुपए का है ये। ये देखिए, कौशाम्बी और गोरखपुर लाइन से पूरी हैंडमेड की, इधर से पूरा लाइन से शॉप्स लगी हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए पूरा डेकोरेशन का, ये सभी होममेड है, हैंडमेड है। ये क्ले से बनाई है ना? नहीं, हाँ, लकड़ी का। अच्छा अच्छा, ज्वेलरी है पूरी। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है इसका ज्वेलरी का? 230। 230 की ज्वेलरी है पड़ेगी। और चलिए और दिखाते चलते हैं साथ साथ, क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। वाओ, डिस्प्ले कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन गाजीपुर से है। जूट के यार तोरण वगैरह, डेकोरेशन के काफ़ी सारे सामान हैं। ये तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है आई थिंक, तो बहुत प्यारा लग रहा है। सीनरीज वगैरह, मैट काफ़ी सुंदर लग रही है, लगी हुई जो भी है। भैया क्या प्राइस है इसका? 450 रुपए का ये। ओके, फिरोजाबादी लैंप्स, लाइट्स। ओके, तो गरम है जी? गरम है ना, बल्ब जा रहा है ना। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है भैया? 800 से स्टार्टिंग है जी। 800 वैसे तो लैंप है ना ये? हाँ हाँ, लैंप। ये सभी लैंप है, ये सब जल रहे हैं क्या अंदर? ये सब जल रहा है। बजा गया, मैंने छू लिया, मेरा हाथ जल गया। गोल्ड की बैंगल्स, बहुत छोटे लोग हैं तो हमें छोटा बनना पड़ता है। अब हेनरी भी छोटे हैं, कोई बड़े नहीं है। ये कितने के अंकल? ये 40 रुपए की। सब वुड से बना हुआ है, इधर पूरा लगा हुआ है। हेयर क्लिप वगैरह भी हैं और बॉक्सेस। डिस्ट्रिक्ट जेल प्रोडक्ट, बहराइच पेंटिंग्स है ये। ये देखिए, मेड बाय फीमेल प्रिजनर्स। ओके, ये प्रिजनर्स ने बनाया है, जो जेल में रहते हैं उनकी ये पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है।
बिल्कुल बताइए। ये गेहूँ के डंठल से बनाया जाता है, ये हाथ से पूरा बनाया गया है। गेहूँ के डंठल है? जी हाँ। अच्छा, ये जो पूरा है ना, ये गेहूँ के डंठल से कटिंग करके बनाया जाता है। ओके। और ये एक हमारे यहाँ मतलब सभी महिलाओं के द्वारा मतलब लड़के भी रहते हैं उनके द्वारा। तो जेल में रहते हैं? अच्छा, जेल वाले नहीं और सभी बनाते हैं? सब लोग बनाते हैं, जेली वाले भी बनाते हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ ना फीमेल प्रिजनर्स, तभी जेली वाले भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सभी गेहूं के डंठल से बना है, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे लगा था कि पहले कुछ गोल्डन जो स्टार वगैरह आते हैं उससे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शॉप्स इधर लगी हुई हैं, बहुत सारी शॉप है। और अब मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन मेरा भाई बहुत ज़्यादा थक गया। एक एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, कितने की है भैया ये? 4,500 की है साड़ी। ये आंचल होगा? हाँ, आंचल बॉडी सब ऐसे ही। अच्छा अच्छा, पूरी साड़ी, वैरायटी ऑफ साड़ीज हैं लगी हुई हैं ये। और सभी साड़ी के प्राइजेस भी अलग अलग होंगे। ये हैंड बैग्स हैं पूरे, और ये स्लीपर्स भी हैं। स्लीपर्स कितने की हैं? 500 की। ओके, ये देखिए इधर लाइन से काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई हैं। और इस तरफ आ जाओगे तो इधर बिछा हुआ है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर देखिए, उधर लाइन से काफ़ी सारी शॉप लगी हुई है, इधर लगी हुई है। देखिए इधर पूरे फैब्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे, कपड़े वगैरह हैं। ये देखिए सूट सेट वगैरह पूरे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पूरे सूट सेट इधर लगे हुए हैं। भैया आंटी, केवल कुर्ते ही हैं क्या? सेट में भी है। सेट में भी है? क्या चाहिए, किस में चाहिए? इसमें दुपट्टे भी हैं आपके, प्लाजो भी इसके साथ में। अच्छा, पूरा सेट है ना, कितने का पड़ेगा ये? आपको पड़ेगा 600 रुपये का, ये बन जा रहा है। अच्छा, ये दुपट्टा आ जाएगा इसका 600 रुपये का, 3 पीस सूट है। इसको बंजारा बोलते हैं? जी, बंजारन पीस से बोलते हैं, बंजारन। अच्छा, जो काफ़ी मल्टी कलर में होता है। ये इसका दुपट्टा आ जाएगा। ओके ओके। और ये सब सामने खाली कुर्ती लगे हुए हैं कि सब सेट के ही हैं? सेट के नहीं है। अच्छा, कुर्ती भी है कुछ सेट में। क्या प्राइस होगा कुर्ती का? इसका 600 रुपये। ओके, देखो इधर पापड़ वगैरह की शॉप है, इधर कुछ शॉप जो है ना वो उधर लग रही हैं। ये कितने का पैकेट है? कितने का पैकेट है? 150 का है। ये देखिए इधर एक शॉप, शॉप लगभग लगी चुकी है सारी। ये देखो विंटर की शॉप, ये साड़ीज है, दिखा देते हैं। भैया कितने में है साड़ी? हाँ, 1,000 में 3 नीचे वाली। हाँ, सबके अलग अलग प्राइस है क्या? 1,000 में 3 नीचे वाली। अच्छा, 1,000 में 3, 1,000 में 3 दे दो। ये 1,000 में 3 है, 1,000 में 3 ऊपर 1,000 में। 1,000 रुपये में एक है साड़ी पूरी। ये एक वुलन कलेक्शन की शॉप है, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे थे क्यूट क्यूट से शॉर्ट्स एंड स्वेटर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये पैजामे हैं। भैया कहाँ से आप लोग? नागालैंड से। ओके, अभी काफ़ी डिफरेंट लुक वाले कपड़े लग रहे हैं सारे विंटर्स के। ये कितने का है पैजामा? हाँ, 550 का है। ये कैप? 250 की कैप है ये। ओके, ये भी स्टोल है? ये स्टोल से कॉटन। ओके, ये क्या है? अच्छा अच्छा, खाली। ओके, तो भाई ये नागालैंड वाली शॉप है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको विंटर्स के लिए मिल जाएंगी, तो इस शॉप पर विज़िट ज़रूर करिए, बहुत अच्छी शॉप है। बाकी ये साड़ी वाली शॉप है, जहाँ पर आपको वही है 1,000 में 3 साड़ीज़ मिल जाएंगी। वो साइड पर देखो दुकानें इधर काफ़ी सारी लगी हुई हैं,
ये अगेन अब इधर आ गए हैं साड़ी वाली शॉप पर। लगभग सबकी वही प्राइजेस है ना साड़ी इसके, देखिए 550 की वन पीस, 1000 में दो पीस, ये है बनारसी साड़ीज। तो अब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, इधर भी एक लेन है जिसमें कुछ कुछ शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, बाकी इधर भी लेन लगी हुई है जहाँ पर आपको विंटर कलेक्शन देखने को मिलेगा। कश्मीरी जो है कपड़ों की शॉप तो बहुत सारी हैं, ये देखिए ये है, और उधर पड़ता है ब्लैंकेट की शॉप। और देखिए जब कोई आईपी आते हैं ना तो उनके लिए ये सर उनके लिए परफॉर्म करते हैं, और सामने देखिए प्रोग्राम चल रहा है। और ये है ब्लैंकेट, थोड़ा सा ब्लैंकेट का आइडिया आप लोगों को दे देते हैं। भैया ये ब्लैंकेट ओढ़ने वाला है कितने का है? सिंगल मिल रहा है डबल में। ये कितने का है? डबल 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 बेड का 400 रुपए का, सिंगल बेड का 200 रुपए का। 200 रुपए का, और ये भी तो है ना बिछाने वाला ही है ना, ये 300 रुपए का है। ओके, बिछाने के लिए, और बहुत सारे लगे हुए हैं ये देखें ब्लैंकेट वगैरह, सबके अलग अलग प्राइस रहेंगे, आप लोगे तो हिसाब से भी ये प्राइस वगैरह लगा देंगे। और अब जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे भीड़ भी आप देख सकते हैं बढ़ भी रही है। ये देखिए इस तरह से तोड़े ना आपको 400 रुपीज में मिल जाएंगे, और लोगे तो यार बार्गेनिंग कम कर ही देंगे, लेकिन इस तरह की तोरण मुझे कहीं नहीं दिखी। ये है भी अच्छी, काफी सारी चीजें लगी हुई हैं, ये देखिए हैवी हैवी सी है। और ये वाली भैया जो थोड़ा सा हल्की है 350 की है। ओके, पूरा महोत्सव मैंने आपको दिखा दिया है, अब पूरा महोत्सव जो है वो लग चुका है, आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है, काफ़ी सारी दुकानें लग चुकी हैं, और जैसे जैसे शाम होती जाती है यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम होता रहता है, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी बड़े एरिया में ये महोत्सव लगता है, ये वही प्लेस है जहाँ पर एक समय पे लखनऊ महोत्सव लगता था, जो कि अभी काफ़ी सालों से लखनऊ महोत्सव नहीं लग रहा है, उसकी जगह पे ये भारत महोत्सव लगता है और हिंदुस्तान महोत्सव लगता है, इस तरह के महोत्सव लगते हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जो लोग महोत्सव का वेट कर रहे थे, लखनऊ महोत्सव बोलो या भारत महोत्सव बोलो या हिंदुस्तान महोत्सव बोलो, फिलहाल तो ये है प्रगति भारत महोत्सव। ओके, तो अब आप महोत्सव में आ सकते हैं, पूरा महोत्सव लग चुका है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको इस तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।